जो कि मेरा गिटार है, ये मैं बजाता हूँ। और दूसरा मैंने मेरे मौसी ने खरीदा था, लेकिन अब वो नहीं बजाते हैं तो इसे मैंने ले लिया है। अच्छा है, बड़ा ही अच्छा है, रोज उड़े, अभी मिलते नहीं है, मतलब कि एंटिक होते जा रहे हैं। और वो जो देशंका वाला है वो भी एंटिक होता जा रहा है, ये भी एंटिक होता जा रहा है। तो मैं इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। हाँ फ्रेंड, वैसे इसे बैंड लगाया गया है, इसका मतलब ये पूरा एंटिक हो चुका है, ये पूरा बैंड लगा दिया है। अब जो है इसका दूसरा मॉडल मिलता है F280 और F310 भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, मतलब कि उनको जो लाइसेंस लेते वो ही सिर्फ ऐसे गिटार बना पाते, वरना यामाहा की कुछ कंपनीज हैं जो लाइसेंस लेते हैं और इसको बनाते हैं। अभी भी थोड़े थोड़े बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा कॉमन है, ये अभी एंटिक होता जा रहा है। इसको ये पहले कॉमन था, अभी इसे लाइसेंस चाहिए इसको बनाने के लिए। और ये तो बिल्कुल कॉमन है, ये तो कभी भी बन सकता है। स्मूथ है, इसका स्ट्रिंग्स बहुत स्मूथ है। ये सिर्फ आपको शायद लग रहा होगा ये टॉय गिटार है, नहीं ये टॉय गिटार नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा गिटार है। देखिए होलोग्राम भी लगा है, इधर वुड का है, बहुत ही हार्ड है इसका वुड, कभी भी टूटेगा नहीं, लेकिन F310 थोड़ा सॉफ्ट है, टूट जाएगा, सेंसिटिव है। मेरे पापा का भी F310 है लेकिन वो मैं नहीं बजाता हूँ, कभी कभी बजा लेता हूँ। तो हम बेबी शार्क बजा कर देखते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। असलियत में बज रहा है, बजता अच्छा है, सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, इसका वुड बहुत ही हार्ड है। और इसका जो ब्रिज है ये पहले प्लास्टिक का हुआ करता था, लेकिन ये अचानक टूट गया, और ब्रिज तो बहुत महंगे आते हैं, आपको तो पता ही होंगे, इसलिए मैंने पापा ने क्या किया, एक बांस को काटा, इसमें से एक ब्रिज बनाकर दे दिया। और देखिए इसके स्ट्रिंग्स की क्वालिटी, ये शायद मुझे लगता है किसके स्ट्रिंग्स है तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा अगले वीडियो में, सही मैं बता दूंगा। तो इसको रखते हैं साइड में, लेते हैं हमारा F310। अरे यार ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया। हाँ इसका बेस बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, टूट जाएगा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। इन दोनों के खुशबू तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनका जो वुड है वो बिल्कुल स्पेशल है, उसका सिर्फ कॉमन वुड है इसलिए, लेकिन इसका तो रोज वुड और कॉमन वुड मिलकर बना है इसका, और मेड इन इंडोनेशिया। हाँ क्या बात है। और इधर गिटार का क्या पता नहीं, BNJ29 क्या पता नहीं दिया हुआ है। स्टील का ट्यूनिंग की है, ट्यूनिंग की बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे हैं। चलिए बेबी शार्क बजाते हैं, हाँ ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। अरे बैग को हटा लेते हैं, ये वहाँ का बैग है। हाँ ये क्या हो गया, ये बैग तो फाड़ गया, ठीक है फट गया तो कोई बात नहीं, लगा देंगे। हाँ
जिसके का सारे गाने गा वहाँ भी बजाते हैं। अच्छा है बिगिनर्स के लिए। अब उसका उसको उसमें भी सारे गाने गा बजाते हैं। हाँ ये मेरे लिए काफी छोटा है, ये ठीक है। ये हल्का भी है, एक हाथ से उठाया जा सकता है। ठीक है उसको भी उठा कर देखते हैं, एक हाथ से ही सही। यार ये तो ज्यादा ही भारी है। दो केजी का तो होगा और ये एक केजी का होगा, नहीं ऐसा, हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है सारे गाने गा बजाते हैं। बचता अच्छा है, तैरना पड़ेगा और मारना भी पड़ेगा, ये दोनों ही बचते अच्छे हैं। बस एक मिसिंग लग रहा है मुझे, इसका होलोग्राम है लेकिन उसका नहीं है, ये मिसिंग लग रहा है। होलोग्राम में क्या है, होलोग्राम में कोई पापा बेटे का फोटो दे रखा है, ये शायद इंडियन है। हाँ ओरिजिनल ओरिजिनल ग्रेसन ऐसा म्यूजिकल इंडस्ट्री फ्रेंड्स, ये तो इंडिया का है। अरे ये तो भी मिलते हैं, मैं तो भूल ही गया, ये तो अच्छे से मिलते हैं, ये तो इंडिया का ही है। ये बच्चों का गिटार है, छोटा गिटार है बेस तो कम होगा है और उसका कुछ ज्यादा ही ज्यादा बेस है।
ये बेस गिटार के काम आपको ज्यादा आएगा। ये देखिए इसका बेस ही नहीं है, ये ज्यादा गड़गड़ गड़गड़ ऐसा आवाज करता है। और इसकी बात करें तो देखिए इसका भी ऐसा एक मॉडल निकला है इंडिया का, अब F310 इंडिया में भी बनाते हैं लेकिन वो रोजवुड का नहीं है और इंडोनेशिया से आने वाले, अभी जितने भी आते हैं कम ही आते होंगे, एक दो आते होंगे महीने में, वो तो कहने से मिलते हैं बहुत मुश्किल से। अब तो इसका दाम बहुत बढ़ चुका है, 10,000 हो चुके हैं, ये पहले मिलते थे आपको 6-7 हज़ार में, ये 10,000 का हो चुका है। और इसकी बात करें तो हाँ इसमें सारे गामा बजाते हैं, ये ए स्केल का सारे गामा है, जोर से पकड़ने पड़ते हैं। देरी कैसी, दोनों को खरीद लीजिए, अगर ये इनके लिंक मुझे मिल जाए तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए, उस एरो जो ऐसे नीचे रहता है वीडियो के राइट साइड में ही, उधर जाकर देखिए आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर मैं दे सकूँ तो ये क्रेशन का बेबी वेन्यूज है, और दुकान में जाकर बोलेगा ये मैंने किधर से खरीदा था, ये मैंने अगरतला के शेरावाली के पास जो एक दुकान है उधर से खरीदा था, आप उन पर ठीक से बोलिएगा ग्रेशन वेवी वेन्यूस एक दे दीजिए, वो दे देंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि साइज कैसा हो, साइज ऐसा भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो हाँ इतना होता है, इतना भी गिटार होता है। और अगर आपको ये खरीदना हो तो ये तो आपको त्रिपुरा में नहीं मिलेगा, अगर त्रिपुरा तो दूर, ये तो त्रिपुरा तो दूर, आपको ये कलकत्ता में मिलेगा, त्रिपुरा तो दूर, कलकत्ता में भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको मिलेगा दिल्ली ऐसे जगह, या तो इंडोनेशिया में जाना पड़ेगा या तो आपको फ्लिपकार्ट से मंगाना पड़ेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अगर मिल जाए तो लिंक दे देता हूँ। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं तो फिल्म तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय, थैंक यू, बाय।